नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज के इस डेली करंट अफेयर्स डोज में हम लोग निम्नलिखित प्रमुख करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आगामी बीएसएससी सचिवालय सहायक, बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, लेखपाल, आपूर्ति निरीक्षक जैसे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है, भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज पांडे। जी हाँ, भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष ये बी सोम शेखर राजू हैं। तो अध्यक्ष हो गए मनोज पांडे और उपाध्यक्ष हो गए सोम शेखर राजू। यूपीएससी के नए अध्यक्ष, यूपीएससी के नए अध्यक्ष हाल ही में डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज सोनी, मनोज पांडे थलसेना के अध्यक्ष और यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी बने हैं। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। इसके बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। नास्कॉम के नए अध्यक्ष, नास्कॉम के बारे में इससे पूर्व पीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, तो इस बार नास्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णन रामानुजम। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, वर्तमान में सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनी है संगीता सिंह। हाल ही में त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदल गया है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ग्रुप में डॉक्टर मानिक साहा बने हैं। डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं। एयर इंडिया के नए सीईओ कैम्पबेल विल्सन बने हैं। इसके बाद थॉमस कप का विजेता, तो जी हाँ, थॉमस कप का जो विजेता है वो भारत बना है, इंडोनेशिया को हराकर भारत जो है वो पहली बार विजेता बना है थॉमस कप बैडमिंटन में। इसके बाद उबेर कप, तो उबेर कप का विजेता जो है इस बार वो दक्षिण कोरिया है और ये चीन को पराजित करके बना है। इससे पूर्व दक्षिण कोरिया एक बार और विजयी हुआ था, दक्षिण कोरिया का ये दूसरा विजयी है। तो उबेर कप का विजेता जो है वो दक्षिण कोरिया बना है और थॉमस कप का जो है वो भारत बना है। इसके अलावा चार वर्षों के पश्चात जो है रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट में 0.40% की वृद्धि की गई है। तो इस प्रकार रेपो रेट जो है वो वर्तमान में वो 4.04% है, क्योंकि इससे पहले रेपो रेट जो है वो 4% था और चार वर्ष के पश्चात जो है वो 0.40% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा नई दिल्ली में जो है वो नए प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद फ्रांस के जो है सो नए राष्ट्रपति के रूप में इमैनुअल मैक्रॉन पुनर्निर्वाचित हुए हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में हम कह सकते हैं कि इमैनुअल मैक्रॉन जो है वो बने हैं। इसी तरह श्रीलंका में जो है वो 6वीं बार रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बने हैं। 7वां जो है वो रायसीना डायलॉग जो है वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, जी हाँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में वो भारत का स्थान जो है वो 150वां है। मित्रों, हम प्रयास करेंगे कि डेली कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स आपके लिए लाया जाए, ताकि जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो चलते फिरते करंट अफेयर्स को देख सकें, ताकि आगामी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की राह जो है वो आसान हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।